जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे रसीद के बारे में देखेंगे, रेल रसीद के बारे में, जो कि आपके परीक्षा के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ से सवाल बनने की संभावना होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर रेलवे रसीद होता क्या है, कितने प्रतियों में इसका जारी किया जाता है, साथ ही साथ उन प्रतियों का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ रेल रिसीट कैसे होता है, इन पूरे प्रोसेसेस को देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही जानकारीपूर्ण वीडियो है और आपके परीक्षा के लिए भी यह उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप आरपीएफ एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपने आरपीएफ एलडीसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करें। वहां ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। किस चीज के लिए? तो आरपीएफ के विभागीय प्रतियोगिता के लिए। साथ ही साथ आप गूगल में rpflgc.com को भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारे मटेरियल्स आपके लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रेलवे रिसिप्ट की इस जानकारी सीरीज को। तो सबसे पहले आप रेलवे रिसिप्ट में, यहाँ रेलवे रिसिप्ट का पिक्चर देख रहे होंगे दाहिने साइड में। इस रेलवे रिसिप्ट की जो ये खाका है, जो ये बनाई गई है, इसमें क्या कुछ वर्णित होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेलवे रिसिप्ट कहते किसको है, इसको हम लोग जान लेते हैं और इसका वर्णन कहाँ पर है। तो सबसे पहले रेलवे रिसिप्ट का वर्णन जो है वो है रेल अधिनियम 1989 की धारा 65 में इसके बारे में बताया गया है। तो इट इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 65 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट या रेलवे एक्ट 1989। ये कब दिया जाता है? तो जब व्यापारी का माल रेल स्वीकार कर लेती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन जब व्यापारी माल बुकिंग के लिए आता है तो उस समय क्या माल भेज रहा है, इन चीजों का विवरण के लिए फॉरवर्डिंग नोट होता है। तो फॉरवर्डिंग नोट का वीडियो पहले ही बनाया गया है, आई बटन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी फॉरवर्डिंग नोट को के वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। तो रेलवे रसीद क्या होती है? एक छपी हुई रसीद होती है, व्यापारी को उसके माल के बुकिंग के समझौते के तौर पर कहाँ रेलवे द्वारा दी जाती है। मतलब रेलवे और व्यापारी के बीच यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने आपका सामान ले लिया है और आपके सामान को जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, उस एग्रीमेंट में वो सारी चीजें लिखी रहती है। माल क्या होता है, कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में उसमें लिखा जाता है। साथ ही साथ माल को बुक करने का, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने का, क्या कुछ जो है उसमें मिलता है, पैसा क्या कुछ लगेगा, उन चीजों के बारे में बताया गया। तो इन सब कंक्लूजन के बाद जो है रेलवे रिसीट की परिभाषा निकलती है कि व्यापारी अपना माल रेलवे को बुक करने के लिए देता है, बुकिंग को स्वीकार करने के लिए जो व्यापारी को स्वीकृति पत्र दी जाती है, उस स्वीकृति पत्र को जो क्या कहा जाए, एक्सेप्टेंस लेटर जिसको कहते हैं, उस लेटर को कहते हैं रेल रिसिट। रेलवे रसीद दोनों तरफ छपी हुई रसीद होती है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। तो ये वन साइड है, इसके पीछे भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। पहला इसी पार्ट में ज्यादा कुछ भरना होता है, पीछे एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है व्यापारियों के लिए, वो छपा होता है। तो मतलब ये दोनों तरफ प्रिंटेड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर की तरफ जो आपको यह हिस्सा दिख रहा है, लिखा हुआ है कि एक तरफ इसमें गुड्स क्लर्क या स्टेशन मास्टर को भरना होता है, और इसमें क्या कुछ भरना होता है, इसमें वही सारी चीजें भरी जाती है जो कि फॉरवर्डिंग नोट में व्यापारी लिख के देता है कि ये सामान है, इतना नग है या इतने यूनिट है या फिर इतने भार का है। और साथ ही साथ दूसरे तरफ में क्या होता है, व्यापारियों के लिए कुछ हिदायतें होती है, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उन चीजों को व्यापारी को फॉलो करना होता है। अब ये जो रिसीट आपको दिख रहा है, ये रेलवे रसीद एक किताब की तरह होता है, ठीक है, एक किताब की तरह होता है जो उन तमाम स्टेशनों या माल गोदाम पर उपलब्ध होता है जहां पर माल की बुकिंग की जाती है, चाहे वो स्टेशन हो या फिर माल गोदाम हो, वहां पर ये उपलब्ध होता है और ये एक किताब की तरह होता है। इस किताब में जो है जितने भी रेल रसीद होंगी वो क्या होंगी, क्रमानुसार होंगी, उसमें सीरियल नंबर होगा। और क्रम संख्या कहाँ होगी, रेलवे रसीद के दाहिनी तरफ। आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, रेलवे रिसिट नंबर है, इसको आरआर नंबर बोलते हैं शॉर्ट में, ऊपर के कोनों में होती है जिसे कि आरआर नंबर कहा जाता है। अब आरआर जो है ये कितने, ये कॉपी जो दिख रहा है आपको, सिंगल कॉपी दिख रहा है, लेकिन आरआर जो है पांच, चार या पांच प्रतियों में बनता है, चार या पांच प्रतियों में बनता है। तो चार कब बनता है और पांच कब बनता है वो हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। अगर हम होम रेल की बुकिंग करते हैं तो चार
फोर कॉपीज बनेंगे, और अगर हम फॉरेन रेलवे के लिए बुक करते हैं तो यहाँ पांच प्रतियां बनेंगी। तो यहाँ पर दो शब्द, होम रेल और फॉरेन रेल का शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये मत सोचिए कि होम रेल मतलब भारत के अंदर और फॉरेन रेल का मतलब भारत के बाहर, नहीं। होम रेल और फॉरेन रेल का मतलब होता है, होम रेल भारतीय रेल जो है विभिन्न जोनों में बटी हुई है, विभिन्न जोनों में बटी हुई है। तो एक जोन के भीतर पड़ने वाले स्टेशनों में अगर सामान की बुकिंग होती है तो उसे कहेंगे होम रेल, और एक जोन में बुकिंग होकर के दूसरे जोन में अगर चली जाती है बुकिंग का जो डेस्टिनेशन है तो उसे कहेंगे हम फॉरेन रेल। तो जब हम होम रेल के लिए करते हैं तो चार, फॉरेन रेल के लिए पांच उपयोग करते हैं। अब जो ये रेल रिसिट चार या पांच कॉपी में बनता है उसका डिस्पोजल कैसे होगा, उसका निस्तारण कैसे होगा, उन चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आरआर जो है चार या पांच प्रतियों में कार्बन की मदद से बनाया जाता है, मतलब फोर कॉपी भी बनेगा तो क्या होगा, पहला जो होगा वो ओरिजिनल रहेगा, बाकी के नीचे कार्बन लगा करके उसे बनाया जाता है, और उसका डिस्पोजल जो है किस प्रकार किया जाता है वो हम एक एक करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है, ETRR, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रेलवे रिसिट। 2015 से रेलवे ने इसको उपयोग करना शुरू किया है कि जो आरआर होता है उसको भेजने का तरीका पहले जाता है, एक एक करके डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है बाई डाक या बाई जो भी तरीके से रेल से जाता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज किया रेलवे ने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रेलवे रिसिट। तो हो सकता है ये फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, व्हाट इज ETRR, इसलिए यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया गया है। अब ये चार या पांच कॉपियों का जो डिस्पोजल है वो किस प्रकार होता है, पहली कॉपी जो वो है पेंसिल कॉपी होती है जिसको कि भरा जाता है, और उसे रिकॉर्ड कॉपी कहते हैं, उसे रिकॉर्ड कॉपी कहते हैं। इसे आरआर में ही बना रहने दिया जाता है, मतलब वो जो आरआर की जो किताब है उसी किताब में यह रह जाता है जो पहली कॉपी होती है, जिसे ओरिजिनल कॉपी कहते हैं। पहली जो कार्बन कॉपी होती है, जो फर्स्ट कार्बन कॉपी है, उसे आरआर कहते हैं, और वही व्यापारी को दिया जाता है। फर्स्ट कार्बन कॉपी किसको दिया जाता है, व्यापारी को दिया जाता है, जिसे रेलवे रिसिट कहा जाता है। जो दूसरी कार्बन कॉपी मतलब तीसरी प्रति दूसरी कार्बन कॉपी जो है उसे अकाउंट्स कॉपी कहते हैं, लेखा जोखा के लिए उसे ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में भेज दिया जाता है। तो ये सेकेंड कार्बन कॉपी है और तीसरी प्रति है। जो तीसरी कार्बन कॉपी या चौथी प्रति कहा जाए तो तीसरी कार्बन कॉपी को इनवॉइस कॉपी कहते हैं, इसे गंतव्य स्टेशन पर भेज दिया जाता है जहां पर माल की डिलीवरी होती है, डेस्टिनेशन स्टेशन पे। तो होम रेल में यही चार कॉपी बनती है, लेकिन अगर हम फॉरेन रेल में बुकिंग करते हैं तो पांचवी कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। उस पांचवी कॉपी को क्या करते हैं, जंक्शन इनवॉइस भी कहते हैं, और फॉरेन रेल के पहले जंक्शन पर इसे भेज दिया जाता है। आप दो शब्द हमेशा रेल में सुने होंगे, स्टेशन एंड जंक्शन, इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में जिक्र करेंगे कि उसे स्टेशन क्यों कहा जाता है और उसे जंक्शन क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में हम नहीं जिक्र करेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यह कहने का मतलब है कि फॉरेन रेल के पहले जंक्शन स्टेशन पर क्या किया जाता है, उसे भेज दिया जाता है उस इनवाइस को, इसलिए उसे उस आरआर को, तो इसलिए उसे कहते हैं जंक्शन इनवाइस, और ट्रांसशिपमेंट करने में उसमें मदद मिलती है। अगर जो है वहां पर जो भी माल लोडिंग अनलोडिंग होगा उसमें उससे मदद मिलती है। अगर लोड वैगन में, पूरे वैगन में सामान पैक है और वो वैगन को भेजना है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें उस आरआर की कॉपी को भेजते नहीं है, उसी लोड में उसके अंदर आरआर की कॉपी को रख दिया जाता है। अब कहता है कि यदि कोई व्यापारी ऐसे सामान को बुक करता है जो कि दो रेल को, दो फॉरेन रेल को टच करता है, मतलब उसने ईस्टर्न रेलवे से बुक किया, अब उसको ईसीआर से होते हुए एनआर में जाना है, सॉरी ईसीआर से होते हुए उसके बाद उसको एनसीआर में जाना है, क्योंकि ईआर दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन में पहले ईस्टर्न रेल पड़ता है, फिर ईसीआर का जो जुरिडिक्शन पड़ता है, उसके बाद फिर जो है वो एनसीआर का जुरिडिक्शन पड़ता है। तो दो रेल को क्रॉस करना है तो वो कैसे होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो पांचवी कॉपी होती है उसे फर्स्ट जंक्शन स्टेशन को भेज दिया जाता है, पहला जो जोन टच होगा, और फिर क्या होगा, वहां से जब वो ट्रेन आ जाएगी और उसके बाद आगे की तरफ निकलनी होगी तो क्या होगा, उस आरआर को फिर अगले फॉरेन रेल को भेज दिया जाएगा, या फिर उसे टीपीटी मैसेज के तौर पर भेज दिया जाता है जिसको ट्रेन पोजिशनिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, उसके तहत जो है उसको वहां पर भेज दिया जाता है। अब इस प्रकार से जब सामान डिलीवर हो जाता है तब क्या होगा, तो जब सारा काम हो जाता है तो आरआर की सभी कॉपियों के निस्तारण के बाद क्या होगा,
ऑफिस कॉपी आरआर बुक में रह जाती है और उस ऑफिस कॉपी के पीछे उस व्यापारी के द्वारा भरा गया फॉरवर्डिंग नोट चिपका दिया जाता है और उसे फिर रिकॉर्ड के तौर पर ऑफिस में रख दिया जाता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अगर सूचना लेनी हो तो उससे निर्धारित किया जा सके। तो ये था रेलवे रिसीट से संबंधित जानकारी। आशा करते हैं कि आपके लिए यह जानकारी लाभदायक रही होगी, साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी तथ्यों का इसमें समावेशन किया गया है। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।